तेलुगुदेशम लीडर मोहम्मद अहमद ने जीएचएमसी सर्कल नंबर 9 डिप्टी कमिश्नर सूर्य कुमार के ऑफिस पहुंचकर कदीम शहर के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर नाजायज कब्जे जायदाद पर टाउन प्लानिंग अफसरान की नाकामी के खिलाफ एहतजाज किया है। बताया गया है कि इस जमन में 12 हुकाम को शिकायत की जाती रही, बावजूद इसके नाजायज कब्जे जायदाद की बरकाजगी में जीएचएमसी टाउन प्लानिंग अफसरान तसाउली का मुजाहरा किए हुए हैं। आज लैंड ग्रैबरों के खिलाफ सर्कल लाइन डिप्टी कमिश्नर सूर्य कुमार और सर्कल लाइन टाउन प्लानिंग एसीपी ऑफिस पहुंचकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर आज धरना दिया और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ और जितने स्कूल्स के आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है स्कूल के बच्चे नहीं खेल सक रहे ग्राउंडों तक कब्जा हो जा रहे सर्कल लाइन एसीपी पैसे खाकर लैंड ग्रैबर का सपोर्ट कर रहा और रिसेंटली हाईकोर्ट डायरेक्शन दिया जितने इंकरेजमेंट है निकालो हाईकोर्ट की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना एसीपी सर्कल लाइन फाइन के मैंने आज तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से इत्तेजा दर्ज कराया एक हफ्ते का टाइम।